A great dichotomy of our times is the paradox of contentment versus aspiration. Good evening, everyone. Welcome to 18th day of You Journey. As I was writing my blog, and all of a sudden, मुझे लगा क्यों ना आज कुछ satisfaction और aspiration पे लिखा जाए. बड़ा controversial सा topic है, क्योंकि satisfaction जहाँ होती है, कहते हैं वहाँ aspirations नहीं होती. जहाँ aspirations होती हैं, वहाँ contentment नहीं होती. पर क्यों ना इसका बैलेंस बनाया जाए. समटाइम्स पीपल डू आस्क, शुड वी लीव आवर एस्पिरेशंस एंड बी कंटेंटेड विद व्हाट वी हैव, और शुड वी बी जस्ट कंटेंटेड एंड लीव व्हाट वी वांट टू अचीव, और शुड अचीवमेंट्स बी सो हाई दैट वी लूज आवर कंटेंटमेंट्स. थोड़ा क्रूशियल सा सवाल है, बट यस, उसका सॉल्यूशन भी हमें ही निकालना है. कंटेंटमेंट टू एस्पिरेशन को एक रास्ता समझ लेते हैं. ये एक वे है, हमें एस्पिरेशन तक पहुंचना है, हम कंटेंटमेंट पर हैं. वो जो रास्ता है वो कैसे क्रॉस किया जाएगा? लेट्स मेक हैप्पीनेस द ड्राइवर एंड डाइव इनटू दैट कार. नाउ लेट्स से व्हेन वी आर गोइंग टू एस्पिरेशन फ्रॉम कंटेंटमेंट विद हैप्पीनेस, it will give you all what you want. Your success will be multiplied. Your happiness will be increased. So why not make it a way? हमें कुछ भी किसी भी चीज के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम contented हैं और हमें लग रहा है हमारा milestone वो है. For example, मेरे पास Honda City है, अच्छी है, लेकिन काश वो black Merc मेरी होती. मेरे पास एक घर है, अपार्टमेंट है, काश वो बंगलो मेरा होता. मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन काश मेरा अपना सेटअप होता. इन सब क्वेश्चंस में ना हम चल तो पड़ते हैं सब कुछ अटेन करने, बट एट द कॉस्ट ऑफ आवर हैप्पीनेस. सो व्हाई नॉट टेक हैप्पीनेस अलोंग विद कंटेंटमेंट सो दैट वी रीच आवर एस्पिरेशंस. हम इन दोनों को अलग अलग ना मानकर दोनों को एक ही जगह सेटल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा जो इंटेलेक्ट है ना, वो बीच का ना ड्राइवर बना हुआ है इस टाइम. आप जिस कार हैप्पीनेस में बैठे हैं ना, उसका ड्राइवर ये माइंड है. इस माइंड सेट को इतने सेटल कर दीजिए, इतनी अच्छी ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए कि वो इतना स्मूथ सेल करे आपको कंटेंटमेंट से एस्पिरेशंस तक लेकर जाने में. It should not be contradictory. In fact, it should be something very hale and hearty that when you receive your milestones and when you reach there, you are filled with happiness and contentment and aspirations become like two sides of one coin. Thank you so much. Have a great day. See you tomorrow.